कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल, पिछले 24 घंटे में 7,964 केस आए सामने, 265 लोगों की हुई मौत। केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस नेता अजय माकन का बड़ा आरोप, दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या 398, लेकिन कांग्रेस नेता अजय माकन ने इन आंकड़ों को गलत बताया। उनके मुताबिक अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजय माकन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में एक डेटा जारी करते हुए केजरीवाल सरकार को सवालों के घेरे में किया। देश में कोरोना वायरस से हाहाकार, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हुई। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 86,422 हुई, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 82,370 हुई, 4,971 लोगों की हुई मौत। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, महाराष्ट्र में अब तक 59,546 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 18,616, वहीं 1,982 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना का संकट गहराता नजर आया, गुजरात में कोरोना संक्रमण की चपेट में आए मरीजों की संख्या 15,934 हुई, एक्टिव मामलों की संख्या 6,343 हुई, तो वहीं कोरोना से अब तक 8,611 मरीज हुए ठीक, 980 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 59 नए केस किए गए रिपोर्ट, एक की मौत। अब राजस्थान में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 8,414 हुई, 185 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 1 जून से खोले जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, 8 जून से सरकारी दफ्तरों में 70% स्टाफ के साथ होगा काम। कर्नाटक पहले ही केंद्र सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मांग चुका है। कोरोना संकट के बीच झारखंड के नामी अस्पताल रिम्स से एक शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। यहां एक सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर के साथ रेप करने की कोशिश की, आरोपी सीनियर डॉक्टर फरार, पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, घर वालों के कहने पर भी आतंकियों ने नहीं किया था सरेंडर। कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी यहां छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और आतंकियों को मार गिराया। कोरोना का कहर जारी, दुनिया भर में अब तक 60,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित, 3,66,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में 26.50 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद कोरोना वायरस से हुए ठीक, 30,00,000 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।